गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर सुपर्ब। आई प्रियंका, वेलकम टू ऑल ऑन ऑनलाइन ईवीएस क्लास एट होम। इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टार्टेड आवर रिवीजन ऑफ यूनिट 1 एनिमल रिप्रोडक्शन। एंड इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फ्रॉग एंड बटरफ्लाई। नाउ टुडे वी विल कंपेयर, ओके, जो कंपेयर करेंगे कि कुछ एनिमल्स ऐसे जो गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड कुछ ऐसे जो एग्स देते हैं, और कुछ ऐसे भी जो एग्स तो देते हैं बट उनका जो बेबी है वो अर्लियर स्टेजेस में बिल्कुल डिफरेंट दिखता है, यानी कि जो मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हम कंपेयर करेंगे किस किस के बीच में, ह्यूमन बींग एंड आफ्टर दैट हैन एंड बटरफ्लाई। ह्यूमन बींग, हैन एंड बटरफ्लाई के बीच में ह्यूमन बींग क्या करती है? यस, वे ऑफ गिविंग बर्थ उसका क्या है? गिव बर्थ टू यंग वंस। और जो हैन है वो क्या करती है? लेज एग्स, अंडे देती है। और जो हमारा बटरफ्लाई है, इट ऑल्सो लेज एग्स। अंडरस्टैंड? नाउ आफ्टर दैट जो लाइफ साइकिल है ऑफ डिफरेंट लिविंग बींग्स वो सबका अलग है। जैसे कि हमने ह्यूमन बींग्स में किया था कि सबसे पहले फीटस आता है, आफ्टर दैट हमारा बेबी, देन चाइल्ड, देन यस एडोलेसेंट एंड देन एडल्ट। तो व्हाट आर दीज? दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस। लेकिन अगर हमने हैन में देखा तो हैन में सबसे पहले एग, एग के बाद क्या हुआ? हैचिंग ऑफ एग। हैचिंग ऑफ एग के बाद यस चिक निकला, चिक के बाद एडल्ट। और अगर हम बात करें बटरफ्लाई की, तो सबसे पहले बटरफ्लाई ने क्या किया? एग दिया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट एग के बाद कौन सी स्टेज आई? यस कैटरपिलर, और यू कैन से लार्वा, ओके। और कैटरपिलर और लार्वा के बाद कौन सी स्टेज आई? यस प्यूपा और क्राइसिलिस। एंड आफ्टर दैट कौन सी स्टेज आई? कौन सी स्टेज आई प्यूपा के बाद? बटरफ्लाई की, ओके। सो अगर हम बात करें कि जो बटरफ्लाई है वो मेटामॉर्फोसिस कब शो करती है, तो प्यूपा की स्टेज में करती है, ओके। प्यूपा की स्टेज में मेटामॉर्फोसिस शो करती है। और जो फ्रॉग है वो मेटामॉर्फोसिस शो कब करता है? जब वो फ्रॉगलेट वाली स्टेज में होता है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ जो लाइफ साइकिल है उसमें जो बेबी है ह्यूमन बींग के अंदर, मदर के टमी में रहता है ना, कितने दिन तक रहता है? 9 मंथ तक, ओके। और उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? फीटस। एंड आफ्टर दैट बर्थ टू बेबी, बच्चे को जन्म दे देता है। और उसके बाद बेबी से चाइल्ड में ग्रो हो जाता है, और चाइल्ड जब वो होता है तो वो टॉक करता है, राइट करता है और वॉक करता है चाइल्ड वाली स्टेज में, ओके। एंड आफ्टर दैट जब चाइल्ड से वो एडोलेसेंट यानी कि 12 टू 18 इयर्स का हो जाता है, तो वो एडोलेसेंट एज आ जाती है, ओके। और जब वो एडोलेसेंट एज आ जाती है तो उसके बाद 18 के बाद जब वो 18 से अबो का हो जाता है, तो उसकी एडल्ट स्टेज आती है, जब वो रिप्रोड्यूस करने लगता है, अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देने लगता है, ओके। तो व्हाट इज दैट? दैट इज एडल्ट स्टेज। नाउ हैन क्या करती है? लेज एग्स, ओके। और जो एग है वो कहाँ फॉर्म होता है? फॉर्म इनसाइड द मदर्स टमी। और जो मदर है वो क्या करती है? लेज एग्स। मदर लेज एग्स, एग्स देती है वो। एंड एग जब हैच होता है, पहले तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, कितने दिन का? कितने दिन सेट करती है वो अपने उसके ऊपर, एग्स के ऊपर? 21 डेज के लिए, ओके। तो 21 डेज जब वो उसके ऊपर बैठती है, तो उसके बाद जो हैचिंग का प्रोसेस है, यानी कि उसके जो चिक हैं वो एग शेल को तोड़ के बाहर निकल आते हैं। तो व्हाट इज दैट? दैट इज हैचिंग ऑफ एग। उससे क्या निकला फिर? चिक कम्स आउट। अब जो चिक है वो चिक किस में कन्वर्ट हो जाता है? हैन में। अगर मेल चिक है तो व्हाट इज दैट? रूस्टर। अगर फीमेल है तो वी विल कॉल इट हैन, ओके। नाउ जो हैन है वो उसका जो लाइफ साइकिल है, लाइफ स्पैन है उसका, यानी कि वो कितने टाइम पीरियड तक जीवित रहती है, तो वो कितना उसका? 5 to 10 years। व्हाट? 5 to 10 years। हैन का जो सर्वाइवल टाइम है वो 5 से 10 साल तक ही जीवित रहती है, ओके। एंड जो बटरफ्लाई है, जो बटरफ्लाई वो एग देती है।
आई टोल्ड यू जस्ट नाउ। और जो एग है वो कहाँ बनता है? एग फॉर्म्ड इनसाइड द मदर स्टमी, ठीक है। और फिर जो मदर है वो क्या करती है? लेज एग्स, मदर लेज एग्स। और जो एग्स जो हैं वो हैच होते हैं, एग्स जब एग्स से क्या निकलता है? कैटरपिलर। जो कैटरपिलर होता है और यू कैन से लार्वा, तो वो क्या करता है? बहुत सारे मलबरी लीव्स को खाता है, शहतूत के जो पत्ते होते हैं ना उसको खाता है, और क्या करता है? अपने साइज को बड़ा कर लेता है। तो अब वो किस में कन्वर्ट हो गया? प्यूपा स्टेज में, प्यूपा, और यू कैन से क्राइसिलिस। अब जो प्यूपा की जब स्टेज आती है तो वो अपने चारों तरफ एक कवर बना लेता है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होती है? बटरफ्लाई, ठीक है। तो जो कवर जब उसके चारों तरफ बन जाता है तो उसकी एक अलग स्टेज है। जब कैटरपिलर था तो वो एक कीड़े जैसा लगता था, ठीक है। अब प्यूपा जब वो बन गया तो वो कैसा लगता है? एक अलग ही शेप आ गई है। तो प्यूपा जो है वो मेटामॉर्फोसिस स्टेज है। किसकी? यस, किसकी बोलो? बटरफ्लाई की। ओके, तो बटरफ्लाई की अगर मेटामॉर्फोसिस स्टेज पूछी जाती है तो व्हाट इज दैट? दैट इज प्यूपा। ओके, तो प्यूपा के बाद जब जो बटरफ्लाई है वो उसके अंदर रहती है तो फिर वो प्यूपा से बाहर निकल आती है और फिर वो क्या करने लग जाती है? फ्लाई करने लग जाती है। और फिर उसका जो एडल्ट स्टेज है वो आ जाती है। नाउ द लाइफ स्पेन जो होता है, आई एम टेलिंग यू, लाइफ स्पेन ह्यूमन बींग का 80 ईयर्स। आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी देखा होगा, कोई 75 का, कोई 80 का, कोई 85 का। तो जब डेथ टाइम होता है उनका, तो उनका जो नॉर्मल जो टाइम पीरियड होता है वो यानी कि राउंड अबाउट 80 के आसपास होता है। तो यानी कि कोई भी जो ह्यूमन बींग है वो 80 साल तक जीता है नॉर्मली आज के दिन, ठीक है। एंड 5 to 10 years लाइफ स्पेन किसका होता है? हैन का। हैन का लाइफ स्पेन यानी कि हैन 5 से 10 साल तक ही जीती है, ठीक है। और उसके बाद जो बटरफ्लाई है उसका है 1 week to 12 months। तो जो 1 week to 12 months यानी कि वो इतने दिन तक सर्वाइव करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।